9th स्टैंडर्ड साइंस 15 चैप्टर द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये चैप्टर हम लोग क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ रहे हैं। मेरे पास नोट्स है स्कूल टीचर्स के जिन्होंने प्रिपेयर किया है, थैंक्स टू देम। सो पहले हम लोग एक्सरसाइज के आंसर्स करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स और स्मॉल आंसर्स करेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। सबसे पहले वर्ड कोऑर्डिनेशन क्या है वो एक्सप्लेन कर दूं। देखो कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उस हिसाब से बॉडी में चेंज आता है, या बॉडी के एक पार्ट्स का दूसरे पार्ट के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे रूट और लीव्स का कोऑर्डिनेशन, रूट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और लीव तक पहुंचाते हैं, लीव्स ट्रांसपिरेशन करता है यानी लीव से वाटर का इवेपरेशन होता है और रूट से वाटर और एब्जॉर्ब होता है, और लीव फोटोसिंथेसिस करती है और जो फूड प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में वो रूट तक पहुंचाती है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। ऐसा ही हमारी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन होता है, हार्ट लीवर किडनी सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, ब्रेन हार्ट लीवर किडनी लंग्स एक्सेट्रा सारे बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का पूरा सिस्टम नॉर्मल मेंटेन रहता है। सिमिलर प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स है डिफरेंट पार्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी मेरे हिसाब से हिंदी का इसका वर्ड हम ये बोलेंगे तालमेल बनाए रखते हैं, तालमेल बनाए रखना, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैलेंस रखते हैं, इक्विलिब्रियम। बॉडी का जो स्टेटस है प्लांट बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, कोऑर्डिनेशन से वो इक्विलिब्रियम स्टेटस पे बनी रहती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन समझने के लिए सिंपल समझा रहा हूं, अगर आप बाइक चला रहे हो या फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपको सब जगह नजर रखनी पड़ती है, सिर्फ बाइक के मीटर पे या आगे नजर नहीं रखनी पड़ती है, लेफ्ट राइट सिग्नल्स पे सब जगह, ठीक है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। उस वक्त आपका आपकी आंखें आपका दिमाग और आपके कान और हाथ पैर सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, बाइक चलाते वक्त या कार चलाते वक्त या साइकिल चलाते वक्त बॉडी के सब पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, अब प्लांट में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, देखो प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और मसल्स, ब्रेन या नर्व्स, जो बॉडी में हमारे नर्व्स का नेटवर्क है वो प्लांट में नहीं होता, ना प्लांट्स में मसल होते हैं। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम और मस्क्यूलर सिस्टम लाइक दैट ऑफ एनिमल। इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्ट्यूमुलस दे रिस्पॉन्स विद द मूवमेंट और ग्रोथ। एक्सटर्नल स्ट्यूमुलस के हिसाब से प्लांट कैसा रिस्पॉन्ड करता है, ग्रोथ या मूवमेंट दिखाकर, ग्रोथ वाला मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट विद द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत नोट्स में, मैं करेक्शन करते जाऊंगा, ठीक है। प्लांट ग्रोथ के थ्रू रिस्पॉन्स करता है स्ट्यूमुलस को। दिस टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर, देर आर टू टाइप्स ऑफ, दिस की जगह यहाँ देर है, THERE, देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट एंड ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। प्लांट में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक ग्रोथ के निर्भर ग्रोथ पर आधारित मूवमेंट और एक ग्रोथ पर आधारित नहीं होने वाला मूवमेंट, मतलब एक में ग्रोथ होती है ऐसा मूवमेंट और एक में ग्रोथ नहीं होती। देखो प्लांट सब जानते हैं प्लांट एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जा सकता, लेकिन प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट के हिसाब से उसका ग्रोथ दिखता है, तो वो मूवमेंट, ठीक है। उसी तरह से प्लांट की जड़ें जमीन के अंदर गहराई में जाती रहती है, तो दैट इज अ मूवमेंट, ग्रोथ वाला मूवमेंट। प्लांट के फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, प्लांट में फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, वो ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट है, फूलों का खिलना, ठीक है। फिर एक स्पेशल प्लांट होता है, सुना होगा टच मी नॉट या मिमोसा प्लांट, ठीक है, ये प्लांट छूने से, छुई मुई भी कहते हैं हिंदी में, उसको छूने से उसके पत्ते उसके लीव्स बंद हो जाते हैं, सो दैट इज ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट, इसमें ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। सच मूवमेंट ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये सारे मूवमेंट से ही प्लांट में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन तालमेल बैलेंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म, ये मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं या ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। सो फर्स्ट ट्रॉपिज्म आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, देखो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट चार किस्म के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म चार टाइप के होते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट,
प्लांट लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होता है, तो लाइट के डायरेक्शन में प्लांट्स के नए शूट्स मतलब नई कोपल, नई 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 पत्ती का जन्म होता है। नई पत्ती लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होती है, बढ़ती है, ठीक है। नई पत्ती जो आती है प्लांट में, जिसको कली कहते हैं या कोपल कहते हैं, ऐसा कुछ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में शूट्स। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू लाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट। शूट्स शूट सिस्टम्स ग्रो टूवर्ड्स द लाइट एंड इट्स कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जो प्लांट का शूट सिस्टम है, नई पत्तियों का जन्म, वो लाइट के डायरेक्शन में होता है, इसके लिए उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सेकेंड है ग्रेविटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये है रूट का ग्रोथ। प्लांट की जो जड़ें हैं वो अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ती है। प्लांट की जड़ें अर्थ की ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी जहाँ पे अर्थ का खिंचाव है उस डायरेक्शन में ग्रो होती है, इसे कहते हैं ग्रेविटोट्रॉपिक मूवमेंट। थर्ड इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट प्लांट में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स ग्रोज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। एक तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जड़ें बढ़ती है, और एक पानी के डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पानी रहेगा अर्थ के अंदर या ऊपर, उस तरफ जड़ों का ग्रोथ होता है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। फोर्थ इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, तो कुछ केमिकल्स के हिसाब से प्लांट में मूवमेंट आता है, जैसे फूलों का खिलना, मैंने कहा ना वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, उसी तरह से पोलन ग्रेन का ग्रो होना। पोलन ग्रेन क्या है देखते हैं। सम पार्ट्स ऑफ प्लांट शो रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल, कुछ केमिकल्स को प्लांट्स के पार्ट्स अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, दे आर कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। द ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो एग्जाम्पल दिया है पोलन ट्यूब, देखो मेल फ्लावर, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, ये वर्ड सुना होगा। मेल प्लांट एक्चुअल में इसका डिटेल 10th में है, इधर सिर्फ नाम दिया है। तो मेल प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करता है, या प्लांट का जो मेल पार्ट है उसमें से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर फीमेल पार्ट में जाकर गिरते हैं और वहाँ से एक पोलन ट्यूब, एक ट्यूब क्रिएट होता है, ठीक है, जो वो स्पोर्स को यानी वो स्पर्म सेल को ओव्यूल तक पहुँचाता है। सो शॉर्ट में याद रखो कि पोलन ट्यूब ग्रो होता है ओव्यूल तक, ये केमिको कीमोट्रॉपिक यानी केमिकल वाला मूवमेंट है। सो ये सब है प्लांट का ग्रोथ, मतलब सॉरी ये सब है प्लांट में मूवमेंट। तो प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ पे निर्भर होता है या ग्रोथ पे नहीं निर्भर होता है। ग्रोथ पे निर्भर होने के चार टाइप है, ग्रोथ निर्भर वाले चार टाइप है, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ग्रेविटोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक, ठीक है। और ग्रोथ पे और ग्रोथ इररिलेवेंट यानी ग्रोथ पे निर्भर नहीं करने वाले, एक ही बताया फ्लावर्स का ब्लूम करना, इसके टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट, वट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, सॉरी क्वेश्चन 8 आगे हम लोग, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो कोऑर्डिनेशन का यहाँ वापस से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो सुटेबल एग्जाम्पल देखिए, कोऑर्डिनेशन समझाओ क्या होता है। द डिफरेंट प्रोसेस इन बॉडी ऑलवेज ऑकर्स इन प्रॉपर सिक्वेंस विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बॉडी के अलग अलग कार्य सही समय पर होते रहते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बॉडी के अंदर अलग अलग कार्य, अलग अलग प्रोसेस, उसके लाइन से मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में होते रहते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में चलते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेवरल डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन साइमल्टेनियसली। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ काम करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेन्स, ठीक है, एक साथ फंक्शन करते, एक साथ काम करते। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल की धड़कन चल रही है, उसी सा उसके साथ साथ सांस चल रही है, यानी लंग्स में ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रहा है। सेम टाइम पर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड बॉडी में सर्क्यूलेट हो रहा है और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर लंग्स में डाल रहा है, ठीक है। और उसी वक्त खाना भी हजम होते जा रहा है, मतलब हमने जो फूड खाया है वो स्टमक में और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है। सेम टाइम पर दोनों किडनी फंक्शन कर रही है, दोनों किडनी ब्लड से यूरिन को अलग कर रही है। तो ये सारी चीजें नॉर्मली एक साथ फंक्शन करती है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ फंक्शन करती है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये सारे बॉडी ऑर्गन का आपस में जो तालमेल बना रहता है, एक साथ मिलके जो काम करते हैं, उसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन।
सिंपल है कोऑर्डिनेशन, प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेटिस क्या है, ठीक है। होमियोस्टेसिस देखो, होमियोस्टेटिस मतलब बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रखना, इसको कहते हैं होमियोस्टेटिस। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कीप्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज कॉल्ड, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को प्रॉपरली, ऑर्गेनिज्म के सारे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, या बॉडी एनवायरमेंट को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेगी, और जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, यानी बैलेंस मेंटेन रहे, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल एग्जांपल, बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, स्वेट बनाएगी, स्वेट प्रोड्यूस करेगी, स्किन से हमारे स्वेटिंग होगी जिससे हवा लग के हमारा बॉडी टेम्परेचर ठंडा मेंटेन रहेगा, ठीक है, इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। या फिर जैसे बॉडी में कहीं पे भी तकलीफ है तो पेन महसूस होगा ब्रेन में, मतलब वो चीज़ बार बार ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे कि हाँ, ये एग्जांपल और समझ लीजिए होमियोस्टेसिस का, जैसे किसी का ब्लैडर भर गया है, ब्लैडर मतलब जहाँ पे यूरिन जमा होता है, तो ब्लैडर भर गया है तो बार बार ब्रेन को कमांड जाएगा कि गो टू वॉशरूम, वॉशरूम जाना है, ब्लैडर एम्प्टी करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए मेंटेन करते हैं, ये स्टेट को कहते हैं होमियोस्टेसिस। एक बार और देख लेते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्ट सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेगा ताकि ब्रेन, ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी बॉडी एक्टिविटी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गेन पार्टिसिपेटिंग एट डिफरेंट स्टेप ऑफ दैट एक्टिविटी इज नेसेसरी। देखो अच्छे, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो के लिंक को अपने सारे फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर करो, ठीक है। शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, और लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कहाँ थे, हाँ, सक्सेसफुल बॉडी की कोई भी एक्टिविटी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सिस्टम में, ठीक है, ऑर्गेन्स के बीच में, अलग अलग ऑर्गेन्स के बीच में और बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इफ़ ड्यू टू सम कॉजेज व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज लॉस्ट देन देयर इज अ कन्फ्यूजन एट डिफरेंट स्टेप्स, अगर कोऑर्डिनेशन कहीं पे छूट गया, अगर तालमेल मिस हो गया, अगर बैलेंस टूट गया, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ दैट एक्टिविटी, और इसकी वजह से वो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, सपोज बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही है, एग्जाम्पल, तो इसको, इसका इसका बदन, इसका बॉडी जो है वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी की बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, प्रॉपर स्वेटिंग होती है, बट वो वाटर इनटेक कम ले रहा है, मतलब पानी कम पी रहा है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम, या उसे पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, पानी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और तो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम होगी, यानी चक्कर आएगा और बॉडी से पानी का लेवल कम हो जाएगा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आती है, जैसा जैसा एनवायरमेंट में चेंज होगा वैसा बॉडी में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अभी विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में ऑटोमेटिकली बॉडी को क्या लगता है, ठंडा नहीं चाहिए, तो बॉडी रिक्वायर्स वार्मनेस, तो इसके लिए हम लोग को ऑटोमेटिकली गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, ठीक है, घर में फैन स्विच ऑफ कर देते हैं, एसी ऑन नहीं करते एक्सेट्रा, तो दिस ऑल कम्स अंडर कोऑर्डिनेशन। तो ब्रेन बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स और जो भी है, ये सब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कोऑर्डिनेशन का, एग्जाम्पल, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी और बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, एंजाइम लेवल एक्सेट्रा, ये सब का आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, और स्ट्यूमुलाई अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, और सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो स्ट्यूमुलाई,
जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इसके साथ भी बॉडी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी का, बॉडी टेम्परेचर के साथ, वाटर लेवल के साथ, एंजाइम लेवल के साथ, या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो बदलाव है उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। आप देखो ठंडी के सीजन में बॉडी में स्वेटिंग नहीं होगी, समर सीजन ए विंटर सीजन में बॉडी से स्वेटिंग नहीं होगी और समर में बहुत स्वेटिंग होगी। रीजन सिंपल है, बॉडी को ठंडा करने के लिए स्वेटिंग होती है, विंटर में स्वेटिंग नहीं होती क्योंकि बॉडी, क्योंकि आउटर टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा है, ठीक है। अच्छा, ये फिर देखा होगा कि विंटर में यूरिनेशन बहुत होता है, यानी यूरिनेशन तो पता ही है ना, वॉशरूम के लिए बार बार जाते हैं ठंडी सीजन में या फिर रेनी सीजन में, और समर सीजन में यूरिनेशन कम हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग बढ़ जाती है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन के, मैं कुछ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एट का, हाउ डज एक्सक्रीशन ऑकर्स इन ह्यूमन बींग और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन का मतलब समझ लो पहले, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, बॉडी से जो अनवांटेड टॉक्सिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एक तो हम जो खाना खाते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू इंटेस्टाइन और फिर आगे एनस के थ्रू बाहर जाता है, और एक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन होता है वो किडनी से, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। तो द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू किडनी, ह्यूमन में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें दो किडनी है, दो यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक सिंगल यूरेथ्रा। ये सब क्या है, लेट्स सी इन द डायग्राम। सो देयर इज अ डायग्राम फॉर किडनी, ये डायग्राम है, ये दो किडनी है बॉडी में जो लोअर बॉडी में रहती है, बैक साइड पर एब्डोमिनल में, मतलब लोअर बॉडी पार्ट में बैक साइड पे दो किडनी होती है, इनको जुड़े हुए दो ट्यूब है, देखो ये दो ट्यूब है, ठीक है, इसे कहते हैं यूरेटर्स, यूरेटर्स, ठीक है। फिर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन जमा होता है, किडनी ब्लड से यूरिन को यानी वेस्ट वाटर और टॉक्सिक वेस्ट को अलग करके ये ट्यूब के थ्रू यहाँ ला के स्टोर, यहाँ लेकर आती है, और इसमें वो यूरिन स्टोर होता है कुछ समय तक के लिए। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो नर्व से ब्रेन को कमांड्स मिलते हैं कि वॉशरूम जाना है, और फिर जब वॉशरूम जाने पर ये यूरेथ्रा, इसे यूरेथ्रा कहते हैं, एक यूरेथ्रा है, ठीक है, इसके थ्रू यूरिन बाहर चला जाता है। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेटर दो है, किडनी दो है, ब्लैडर एक ही है और यूरेथ्रा एक ही है। ऑलराइट, तो दिस इज एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का एक्सक्रेटरी सिस्टम में दो किडनी है, दो यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा सिर्फ पैसेज का काम करता है यूरिन को बाहर निकालने में, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करने का काम करता है यूरिन को फॉर सम टाइम, यूरेटर्स सिर्फ यूरिन को बोलते हैं ना, यूरिन को ट्रांसपोर्ट का काम करता है किडनी से ब्लैडर तक, ट्यूब है जो किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को पास करता है। मेन फंक्शन है किडनी का, किडनी ब्लड में से वेस्ट मटेरियल यानी वेस्ट वाटर, अनवांटेड पार्टिकल्स अलग करती है, एक्सट्रैक्ट करती है और फिर उसको बाहर डालती है, ठीक है। सो किडनी, ये किडनी का वर्टिकल सेक्शन है, मतलब किडनी के अंदर का, तो किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। अब ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन जैसे छोटी, आप समझ लो छन्नी, छननी कहते हैं ना जिसको, जिससे हम आटा छानते हैं या पानी छानते हैं, छननी, छननी, ठीक है। सो वैसा कुछ काम होता है यहाँ पर, ये नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे नेफ्रॉन्स के कई करोड़ों, मिलियंस सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। देखो ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं और किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, नेफ्रॉन किडनी और न्यूरॉन ब्रेन, तो ये ऐसा एक नेटवर्क है। अब नेफ्रॉन सेल किससे बना है, देखो यहाँ पे बॉमेन कैप्स्यूल है, बॉमेन कैप्स्यूल, इधर नाम भी लिखा है बॉमेन कैप्स्यूल, और फिर एक ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब,
और फिर यहाँ पे आके ट्यूब पतला हो जाता है, फिर ये पूरा ट्यूब है। और बॉमेंस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे ब्लड की कैपिलरीज है जिसको ग्लोम्यूरुलस कहते हैं, ग्लोम्यूरुलस, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से अंदर आता है और इसके अंदर यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड के अंदर से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर यहाँ से चला जाता है अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये यहाँ ये जो बॉमेंस कैप्सूल का इनर लाइनिंग है इस ये परमिसिबल है, मतलब सिर्फ वाटर को और स्मॉल साइज के पार्टिकल को ही अलाउ करता है, वही इससे क्रॉस हो सकते हैं, ब्लड के सेल्स नहीं जाते हैं। ब्लड ये ट्यूब में आता है और फिर ब्लड और इसमें से वेस्ट वाटर एक्सेट्रा एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स, और फिर ब्लड ये ट्यूब से बाहर चला जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत, ये एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मैग्नीफाई करके बताया है, ऐसे कहीं कहीं लाख नेफ्रॉन से किडनी बनी हुई है, ठीक है, किडनी। सो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, उसमें से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ऑलराइट, इसको एनलार्ज करके बताया है। सो इसमें बॉमेंस कैप्स्यूल है और ट्यूब्यूल है। बॉमेंस कैप्स्यूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज है जहाँ पे वाटर और छोटे स्मॉल पार्टिकल पास होके ये ट्यूब में चले जाते हैं, ठीक है, ये ट्यूब में से पास होते हैं जैसा मैं पेन से बता रहा हूँ, और फाइनली इसमें जाकर फिर फाइनली सब यूरिटर में जाकर ब्लैडर में जमा हो जाते हैं, वाटर और स्मॉल पार्टिकल्स जो यूरिन बनते हैं। कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? बॉमेंस कैप्स्यूल में, ब्लड नहीं जाता है, ठीक है, सिंपल है। ये बॉमेंस कैप्स्यूल में ब्लड आता है विथ वेस्ट मटीरियल्स एंड वाटर, और फिर वाटर और कुछ वेस्ट पार्टिकल जैसे यूरिया पार्टिकल्स है, यूरिक एसिड है, वो सब यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है और इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आता है और प्योर होके यहाँ से जाता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, इतना बारीक इसका नेट है कि सिर्फ वाटर और उतने बारीक पार्टिकल्स ही इससे क्रॉस हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स इसके पार नहीं जा पाते, ऑलराइट। सो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है, या ऐसा समझ लो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है और यहाँ से प्योर ब्लड वापस जा रहा है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम भी है कि अगर कुछ यूजफुल पार्टिकल्स अंदर चले गए, सपोज कोई यूजफुल पार्टिकल्स ये ट्यूब्यूल्स में चला गया तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है वो और फिर से ब्लड में जाता है, क्योंकि ब्लड की कैपिलरीज इस पे भी लगी हुई रहती है जो डायग्राम में नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये है ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम। अब मैं इसको आंसर्स में बताऊंगा, ये तो मैंने डायग्राम में बताया, अब आंसर में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थर्ड आंसर का फर्स्ट पॉइंट कि ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम में क्या है। ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम में किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल यूरेटर है। नेक्स्ट, किडनी फिल्टर्स आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम द यूरिन। किडनी फिल्टर करती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को और जो अनवांटेड सब्सटेंस है ब्लड में उसको भी निकालती है और उससे वो यूरिन बनता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोसेस मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, किडनी का सबसे जो बेसिक फंक्शन यूनिट है वो है नेफ्रॉन, ठीक है। इट परफॉर्म्स, नेफ्रॉन किडनी नेफ्रॉन से बनी है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स है किडनी में। इट परफॉर्म फिल्ट्रेशन, नेफ्रॉन का काम है फिल्ट्रेशन करना यानी छानना, ठीक है। यूरिन इज प्रोड्यूस ड्यू टू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन, ब्लड के अंदर ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन में जिससे यूरिन बनता है। देर इज अ कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्स्यूल। मैंने अभी डायग्राम में बताया कप के जैसा ऐसे शेप का एक स्ट्रक्चर है, कप जैसा, ठीक है। सो ऐसे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बॉमेंस कैप्स्यूल। मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, देखो ऐसे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है कप के जैसा, ठीक है, जिसे कहते हैं बॉमेंस कैप्स्यूल, बॉमेंस कैप्स्यूल। और इसके अंदर जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का वो है उसे कहते हैं ग्लोम्यूरुलस, ऑलराइट। तो ये ब्लड ला रहा है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है, यहाँ से ब्लड एग्जिट हो रहा है और ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं बॉमेंस कैप्स्यूल। इसके पीछे एक बड़ा सा ट्यूब जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्यूब, ऑलराइट। तो आगे देखते हैं, इट हैज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड व्हिच इज कॉल्ड अ ग्लोम्यूरुलस।
उसके अंदर एक बहुत सारा नेटवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसके लिए डिटेल में देख रहे हैं। अंदर बहुत सारा नेटवर्क है ब्लड की कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड के छोटे छोटे ट्यूब्स, ठीक है, ब्लड का एक नेटवर्क, उसे कहते हैं ब्लड की कैपिलरीज, और इसे कहते हैं ग्लोम्यूलस। द यूरिया प्रोड्यूस इन द लीवर्स कम्स इन टू द ब्लड। जो यूरिया लीवर से प्रोड्यूस होता है वो ब्लड से, वो ब्लड के साथ आता है यहाँ पर। वेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम इन टू द ग्लोम्यूलस इट इज फिल्टर्ड थ्रू इट्स कैपिलरीज ऑफ ग्लोम्यूलस फॉर सेपरेटिंग यूरिया एंड अदर सिमिलर सब्सटेंस। यूरिया जो लीवर में प्रोड्यूस होता है फूड डाइजेशन के लिए, वो ब्लड के साथ यहाँ पर आता है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन में वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है, यानी यूरिन में चला जाता है, ब्लड से बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड से यूरिया छन के अलग हो जाता है और दूसरे भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी अलग हो जाते हैं। देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनसाइड द वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस सॉरी यस इधर है देर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनसाइड द वोमेंस कैप्सूल। देखो वोमेन कैप्सूल के अंदर एक सेमी परमिएबल मतलब आधा पास हो सकता है आधा नहीं, ऐसा लेयर है, ऐसा मेम्ब्रेन है। थ्रू दिस मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस आउट। ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मतलब देखो परमिएबल मतलब अलाउ करना, पास करना, जाने देना। सेमी परमिएबल मतलब आधा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेम्ब्रेन है जिसमें से आधी, जिसमें से ब्लड नहीं जा सकता लेकिन ब्लड से जो थिन चीज है वाटर और बारीक स्मॉल पार्टिकल वो पास हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं उसको। द सोल्यूशन दैट इट एक्यूमुलेट्स इन द कैविटी ऑफ वोमेंस कैप्सूल देन पास्ड इनटू द प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, जो वोमेंस कैप्सूल में सोल्यूशन जमा होता है वो फिर जमा होने के बाद कहाँ जाता है, प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब। तो वो जो ट्यूब्यूल है इसको लिखा है प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, तो पानी के देखो कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब भी होती है, यानी वाटर का अगर बॉडी में जरूरत है तो ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्प्शन होता है। वोमेंस कैप्सूल में वो निकल गया, एब्सॉर्ब हो गया और ट्यूब्यूल में आ गया। ट्यूब्यूल में कुछ वाटर अगर री वापस चाहिए बॉडी को तो वहां पे रीअब्सॉर्ब हो सकता है। अगर कोई यूजफुल सब्सटेंस चला गया है वोमेंस कैप्सूल में तो ट्यूब्यूल में वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के मेम्ब्रेन में ऑल द सब्सटेंस विच आर नॉट नीडेड फॉर बॉडी आर सेपरेटेड आउट एंड दिस टूगेदर फॉर्म्स अ। और बॉडी को जो सारी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, जो सारे सब्सटेंस बॉडी को नहीं चाहिए, जो वाटर बॉडी को नहीं चाहिए, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाता है और वो बनता है यूरिन। द यूरिन दैट इज फॉर्म्ड इज कैरीड बाय द यूरेटर। जो यूरिन बनता है फिर वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहां पे कुछ समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट द मस्क्यूलर यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्व्स। जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे नर्व्स के कंट्रोल में होते हैं। देखो वॉलेंट्री इनवॉलेंटर, कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती दैट आर वॉलेंट्री, सॉरी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है दैट आर वॉलेंट्री और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है दैट आर इनवॉलेंट्री। जैसे स्नीजिंग, किसी को छींक आ गई, छींक आ रही है, बार बार आ रही है, एक बार आ रही है, तो छींक हमारे कंट्रोल में नहीं है तो दैट इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, हमारी जो ब्रीथिंग है, हमारी सांसें, हमारी सांसें, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ तो भी मेरी सांसें चल रही है, मैं सो चुका हूँ, मेरी बॉडी मैं पूरी तरह से नींद में हूँ फिर भी मेरी सांसें चल रही है, मैं उसको रोक पा रहा हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली रुक रही है ना मैं रोक रहा हूँ, वो अपने आप चल रही है। तो दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और वॉलेंट्री एक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यूरिनेशन हमारे कंट्रोल में, हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में रहते हैं नर्व्स के। देयरफॉर यूरिनेशन कैन टेक्स प्लेस थ्रू द यूरेट्रा बाय वन सोन वीन। इसके लिए जब चाहत होगी, यानी जब फील होगा यूरिनेशन के लिए, तब यूरिनेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यूरिनेशन नहीं होता, जैसे हमारी सांस ऑटोमेटिकली चल रही है या हमें छींक आ गई अचानक में, वैसा यूरिनेशन नहीं होता कि अचानक में कहीं पे भी यूरिनेशन हो। ठीक है, नहीं होता। ठीक है, यूरिनेशन हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है।
नेक्स्ट, अच्छा ये इधर लिखा नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, ठीक है, तो ब्रेन को बार बार कमांड जाता है कि गो टू वॉशरूम, ठीक है, ब्रेन को कमांड जाता है कि इसे खाली करना है। और अगर आप स्कूल में हो तो आप पूछते हो, टीचर मैं आई गो टू वॉशरूम, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हाउ इज एक्सक्रीशन इन प्लांट टेक्स प्लेस, सॉरी, यूजफुल टू ह्यूमन। अच्छा अभी मैंने जैसा बताया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग होता है यूरिनेशन, वैसा ही प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट में भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है, और प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, जैसे पत्तों का झड़ना। देखो इधर मैं पिक्चर्स बताता हूँ, दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट, पत्ते झड़ रहे हैं, ठीक है, पत्ते जो सूख कर झड़ जाते हैं, दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। इसके अलावा देखो रबर लेटेक्स निकलना, ये भी एक्सक्रीशन इन प्लांट है। कुछ प्लांट के आप ट्विग्स तोड़ोगे तो उसमें से व्हाइट कलर का रबर या लेटेक्स या ऐसा कुछ रेसिन निकलना, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। इसके अलावा प्लांट फ्रूट्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करता है, फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये भी एक्सक्रीशन है। राइट, एक्सक्रीशन मतलब जैसे हम लोग को एक्सक्रीट करने के लिए हम वॉशरूम जाते हैं, वैसे प्लांट कहीं वॉशरूम नहीं जाता है, वो इमूवेबल रहता है, लेकिन वो वहीं पे ही पत्ते झाड़ देगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट। अच्छा प्लांट का एक्सक्रीशन हमारे कैसे काम आता है उस पर आंसर है, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर नॉट यूजफुल फॉर ट्री कैन बी वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट के लिए काम का नहीं हो, बट हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एग्जाम्पल, द लेटेक्स ऑफ रबर गिव्स वेरियस रबर प्रोडक्ट। जो रबर प्लांट प्लांट जो लेटेक्स प्रोड्यूस करता है जिससे हम रबर बनाते हैं, उससे हम रबर की बहुत सारी चीज़ें बना सक पाते हैं। गम्स रेसिन्स आर वेस्ट मटेरियल फॉर प्लांट बट दे आर वेरी यूजफुल फॉर मैन। इसके अलावा जो गम्स है रेसिन्स है जो प्लांट से प्रोड्यूस होता है वो प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट, द वेस्ट सब्सटेंस, फोर्थ पॉइंट, द वेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट आर ऑल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीव सेल्स एंड इन वेरियस प्लांट्स पार्ट। व्हेन दिस लीव्स एंड अदर पार्ट्स फॉल्स ऑफ दे एक्ट लाइक मैन्योर। इसके अलावा जो वेस्ट सब्सटेंस है जो प्लांट के, ठीक है, जो प्लांट के वैक्यूल्स में, प्लांट की लीव्स या ब्रांच या ट्विग्स, ठीक है, डाली में या फिर उनके पत्तों के सेल्स में जमा रहते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस है प्लांट के वैक्यूल्स में जमा रहते हैं, वो प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए वो काम आ सकते हैं। जैसे चारा बन सकते हैं जानवरों का चारा बन सकते हैं, या फिर वो चीज़ें मैन्योर के काम आ सकती है। मैन्योर मतलब खाद, उससे खाद बनाई जा सकती है, खाद बन सकती है, एक्सेट्रा। सो प्लांट के लिए वो पत्ते वेस्ट है लेकिन पत्तों के अंदर जो वैक्यूल स्टोर्ड है वो ह्यूमन बींग के लिए या तो मैन्योर का काम आ सकता है, मैन्योर खाद बनाने के लिए, या तो एनिमल्स फीडिंग के लिए भी, ग्रेजिंग वगैरह के लिए भी काम आ सकता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सो इस पे एक डिटेल आंसर है। मैं ये आंसर के साथ एक और आंसर है जो रूट प्रेशर और शॉर्ट नोट साथ में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड से, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ब्लड करता है। ब्लड ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेके सेल्स तक पहुंचाता है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है, एक हो गया। उसी तरह से ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेके सेल तक पहुंचाता है, और सेल से न्यूट्रिएंट लेकर सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट लेकर सेल तक पहुंचाता है, और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर किडनी तक पहुंचाता है। सेल से वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस सब्सटेंस लेकर किडनी तक पहुंचाता है। सो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारी बॉडी में ब्लड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन लंग से सेल्स तक, और न्यूट्रिशन स्टमक से इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेकर न्यूट्रिएंट्स लेकर सेल तक, और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर सेल ये सारे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेके मेटाबॉलिक एक्शन करती है, और मेटाबॉलिक एक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। ये वेस्ट पार्टिकल वाटर ब्लड किडनी तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट की जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती है, और वो पानी हर एक पत्ती तक जाता है, वो पानी हर एक लीव्स तक जाता है। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक
ठीक है, जड़े पानी को चूसती है जमीन के सॉइल से और साथ में मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती है और लीव्स तक पहुंचाती है। लीव्स फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है, और फूड हर एक पार्ट तक, प्लांट के हर एक स्टेम तक, ब्रांच तक, ट्विग्स तक पहुंचता है। सो ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है। इसमें ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसलोकेशन है और रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ ढकेला जाता है, ट्रांसपीरेशन से इवेपरेशन होता है लीव्स में और पानी चूसा जाता है, ठीक है, आगे से पानी सक होता है। और ट्रांसलोकेशन क्या है, जो लीव्स, जो पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती हैं उसको हर एक पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन। तो डिटेल में आएगा, यहां सिर्फ शॉर्ट में पढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट ऑकर्स ड्यू टू, मैं सोच रहा हूं, देखो ये वीडियो यहां तक काफी लेंदी हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के आंसर्स मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में बनाऊंगा। चैप्टर लेंदी है, बहुत सारे आंसर्स है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सबसे पहले तो शेयर कर दो, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज गिव रीजन। मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चन 5 के साथ मैं शॉर्ट नोट फर्स्ट और सेकेंड थर्ड कर लूंगा, ठीक है, फिर गिव रीजन्स करेंगे और रिमेनिंग आंसर्स, ठीक है। होप वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो मैं और बनाऊँ, ठीक है, थैंक यू।